Hello YouTube, this is lifenextdoor.com. Causes of gas problems. आपके पेट में गैस तब फॉर्म होती है जब कोलन फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाते। हाई फाइबर फूड्स कई बार काफी परेशानी देते हैं, पर फाइबर के ढेर सारे फायदे भी होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सही ऑर्डर में काम करेगा, आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट हो रही है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन्ड है। पर फाइबर से गैस भी फॉर्म होती है। हाई फाइबर फूड्स जिनसे गैस या गैस पेन होते हैं वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स एंड पीस, फाइबर सप्लीमेंट्स जिनमें सिलियम होता है जैसे मेटाम्यूसिल, स्पेशली अगर आपकी डाइट में ज्यादा हो तो। कार्बोनेट प्रोडक्ट्स जैसे सोडा गैस और बियर से भी गैस की प्रॉब्लम होती है। अदर कॉजेज ऑफ गैस, स्वॉलोड एयर। आप एयर इनहेल करते हैं दिन में कई बार जब आप कुछ पीते हैं या खाते हैं, कुछ च्यू करते वक्त, या फिर आप जब जल्दी जल्दी खाते हैं, या फिर स्ट्रॉ से जब कुछ पीते हैं। ऐसे में कुछ हवा आपके लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चली जाती है और आप गैस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अनदर हेल्थ कंडीशन, ज्यादा गैस एक सिम्टम है सीरियस क्रॉनिक कंडीशन का, जैसे डाइवर्टिकुलाइटिस और इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज। ज्यादा गैस या ब्लोटिंग भी सिम्टम है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का स्मॉल इंटेस्टाइन में डायबिटीज की वजह से। फूड इंटॉलरेंसेस, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या फिर ब्लोटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के बाद हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी शुगर को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है। ग्लटन जो वीट या ग्रेन्स में होता है, इसे लेने से भी आपको एक्सेस गैस, डायरिया या फिर वेट लॉस भी हो सकता है। आर्टिफिशियल एडिक्टिव्स, अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं जैसे सॉर्बिटॉल, मेनिटॉल, ज़ाइलिटॉल जो शुगर फ्री फूड्स में होते हैं, या गम्स और कैंडीज में भी पाए जाते हैं, हेल्दी लोगों को भी डायरिया या गैस डेवलप हो जाती है ये सारी चीजें खाने से। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस पास होना नॉर्मल है और ऐसे में ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्टनेस भी आप फील कर सकते हैं। होम रेमेडीज फॉर गैस प्रॉब्लम्स, सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी से आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा और गैस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो आप एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी मिलाएं, अच्छे से उसे घोलें और थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लीजिए। इसके अलावा आप सिनेमन चाय भी बना सकते हैं। उसमें आपको गर्म पानी में सिनेमन पाउडर थोड़ी देर स्टीप होने के बाद पीना होगा। एप्पल सिडर विनेगर, इसे हम इंडाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये रेमेडी स्टमक को सूथ करती है और तुरंत राहत देती है। तो आप 2 चम्मच एप्पल सिडर विनेगर को गर्म पानी के ग्लास में डालें, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद अच्छे से पी लीजिए। जिंजर, अदरक। अदरक इंडाइजेशन दूर करने का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और गैस प्रॉब्लम से भी राहत देता है। इक्वल पार्ट्स में ग्राउंड फिंगर फेनल और कार्डमम लें और अच्छे से मिक्स कर लें। 1 कप पानी लें और 1 चुटकी असाफेटिडा मतलब हींग मिलाएं और इसे दिन में 1 या 2 बार जरूर पिएं। या फिर आप जिंजर जूस पी सकती हैं उसमें हींग मिलाकर, या फिर आप अदरक के तेल की कुछ बूंदें किसी भी तेल में मिलाकर अपने पेट पर मालिश कर सकती हैं। बटर मिल्क, जब बटर मिल्क को कैरम सीड्स और काले नमक के साथ मिलाकर पीते हैं तब गैस प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही गायब होती है और ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी भी माना गया है। बेकिंग सोडा एंड लेमन, बेकिंग सोडा और नींबू को कंबाइन करने से एक अच्छा एंटी एसिड बनता है। तो आप 1 ग्लास में फ्रेश लेमन जूस और बेकिंग सोडा डालें जिससे फिजीनेस होगी, और फिर थोड़ा सा और बेकिंग सोडा डालें और 1 कप पानी डालकर घोलें जब तक पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो जाता, और उसके बाद उसे पी लीजिए। इससे आपकी गैस की प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म होगी। एसाफेटिडा, एसाफेटिडा जिसे हम हींग के नाम से जानते हैं, इसमें एंटी स्पैस्मोडिक, एंटी फ्लॉटुलेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो आप 1 ग्लास गर्म पानी में हींग डालें और अच्छे से मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार पिएं और देखें आपकी गैस की प्रॉब्लम कितनी जल्दी गायब होती है। फेनल सौंफ, आप गर्म पानी में फेनल सीड्स डालें और 5 मिनट तक उबलने दें। आप इसे लो टेम्परेचर पे उबालें और फिर इसे अच्छे से छान कर पी लीजिए, या फिर आप फेनल सीड्स चबा भी सकते हैं। गार्लिक लहसुन, लहसुन के अंदर के जो गर्म तत्व होते हैं वो गैस्ट्रिक फायर और गैस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं। गार्लिक सूप पिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए और गैस खत्म करने के लिए।
पेपरमिंट। आप पेपरमिंट यूज कर चाय बनाएं और फिर छानकर उसमें शहद मिलाकर पी लीजिए, या फिर आप चाहें तो पुदीने की पत्तियां भी चबा सकते हैं। कार्डमम इलायची। आप रोस्टेड इलायची पाउडर को वेजिटेबल्स, राइस या लेंटिल्स में डाल दें खाना बनाने के पहले, या फिर आप कार्डमम 2-3 बार चबाएं ताकि आपकी गैस की प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा की जगह कुछ ज्यादा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।